नमस्कार दोस्तों, पवन भाई क्लब में आपका स्वागत है। सक्सेस पाथ की सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ईमानदारी से बोलना चाहूंगा कि मैं इस वीडियो को बनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि कुछ लोग आपको डरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 दिन में मैंने 2 न्यूज़पेपर की स्पेशल न्यूज देखी आप लोगों के लिए, और उसमें ये बताते हैं कि आप 10th में 100 मार्क्स लाना सिंपल नहीं है, बहुत कठिन होगा, पॉसिबल नहीं है। यार क्यों बच्चों को डरा रहे हो? और इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सके। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे ये पाना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और अगर जिस बंदे को खुद पर विश्वास है ना, उसको तो कोई भी रोक नहीं सकता, उसको तो भगवान भी रोकेंगे नहीं। फिर दशरथ मांझी का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं तो एक नाम ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो सोचा वो पाया। तो क्या 100 मार्क्स लाना कोई अफलातूनी काम है, या कोई ऐसा काम है कि सिर्फ एलियन कर पाएंगे, इंडियंस नहीं कर पाएंगे, बच्चे नहीं कर पाएंगे? तो ये सब आपको डराने की एक साजिश कह सकता हूं मैं, ताकि इस तरह से डराया जाए, फिर आप 17 तरह की बुक्स खरीदो। हाँ, आपको कौन सी बुक खरीदना चाहिए? बुक्स जरूर खरीदना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए बुक्स जरूर खरीदना चाहिए, लेकिन वो किताबें खरीदना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो। यहां ये हो रहा है कि आपको न्यूज़पेपर में या व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पर वो सब लोग शेयर कर रहे हैं, मुझे भी किसी ने भेज दिया कि अब 10th में 100 मार्क्स लाना बड़ा ही डिफिकल्ट है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं। पहली बात तो ये है, ठीक है, आपको फिर भी लगता है कि ठीक है सर तो बोल रहे हैं, लेकिन कहां हमारे साथ है? भैया मेरी, मुझे एक बात बताओ कि ये जो 11 मार्क्स का आने वाला है, आपको 11 मार्क्स का आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आने वाला है, क्या सिलेबस छोड़ के आने वाला है? सपोज सर्कल का क्वेश्चन आता है, या सपोज ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता है, तो क्या कुछ अफलातूनी क्वेश्चन बना के देंगे? आपको जमेगा ही नहीं। जो बनाने वाले बैठे हैं वो ऐसा ही क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि आपको सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास ऑप्शन भी है ना, उसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस मार्क्स को ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। उस 11 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि वो तो सिंपल क्वेश्चन है, वो एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन करने का हो सकता है। फिर रहती है 8 मार्क्स की बात। तो यार 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास कितने टॉपिक है? मैथ्स 1 के जो टॉपिक्स है, मैथ्स 2 के जो टॉपिक है। अगर आप हर टॉपिक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर तरीके से काम करते हो, तो आपकी तैयारी अगर अच्छे से होती है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरा एक ही कहना है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप ये सोचो ना कि चलो ये क्वेश्चन सपोज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आएगा तो कैसा आएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा तो क्या क्या हो सकता है? अगर ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा तो क्या क्या हो सकता है? कैसा टाइप का पूछ सकते हैं? उसके लिए टारगेट ने बहुत एक अच्छी बुक दी है, मैं कल या परसों में आपको उसका वीडियो देता हूं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके देता हूं, बुक भी बताता हूं। मैंने ऑर्डर की है, वो बुक आ गई है मेरे पास, और मैं उसको आपको बताता हूं कि कैसे आप उसका यूज कर सकते हो। तो ऐसी तो कोई चीज नहीं है ना कि जो आप नहीं कर सकते हो। ये सब भैया डराने के तरीके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो लोग क्या कह रहे हैं, इस चीज को आपको छोड़ देना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो आपके बारे में, तो ही आप आगे जाओगे। इफ यू फील दैट यू कैन डू इट, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर आप सोचते हो ना मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर भगवान भी नहीं आपसे करवा लेंगे, ठीक है? तो ये सबसे पहला, मैं हमेशा मैं अपने लाइव सेशन में भी बोलता हूं, मैंने अपने कई वीडियोज में बोला है कि भैया खुद पर विश्वास रखो, ठीक है? डोंट लिसन व्हाट पीपल आर सेइंग, ओनली लिसन टू योर हार्ट। आपका हार्ट अगर आपको कह रहा है कि नहीं यार मैं तो कर सकता हूं, तो देन यू कैन डू इट डेफिनेटली, नो वन कैन स्टॉप यू। और मैंने कहा आपको कि ये कोई ऐसा काम नहीं है कि ये आपको जमेगा नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको तरीके से प्लानिंग करना है, हर चैप्टर की प्लानिंग करना है, हर चैप्टर के आपको जो क्वेश्चंस है, एटलीस्ट हर क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन बाहर से, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन बाहर से देख लो। अब कुछ लोगों को लगेगा सर 50 क्वेश्चन मतलब 500 क्वेश्चन होते, जिसको आउट ऑफ मार्क्स लाना है उसके लिए है, पास तो सभी हो जाएंगे। जिसको 11 मार्क्स नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ पास हो रहा है, तो उसको तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे वीडियोस देख लो और पेपर पैटर्न को समझ लो, और मैंने प्रीवियस जो वीडियो डाले हैं उतने क्वेश्चन कर लो, आपको 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सबसे अलग हो, भैया 100 मार्क्स किसको मिलेंगे? सबको मिल जाएंगे, जिन्हें सबको नहीं मिलेंगे, जिसमें ताकत है, जिसकी कैपेसिटी है, जो सही में कर सकता है, जिसमें योग्यता है,
उसी को मिलेगा। ऐसे हर किसी को 100 मार्क्स मिलने लग जाएंगे तो फिर तो हो गया। और हमें बताया है ना कि पेपर का 20% पार्ट डिफिकल्ट आने वाला है, तो वो डिफिकल्ट किसके लिए है? वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो उसके काबिल है। पेपर अगर पूरा सिंपल बना दे तो फिर क्या अर्थ रहा? तो भैया किसी से बट डरो, पहली बात। दूसरी बात, अपने मन में से ये डर निकाल दो। किसी ने भी आपको कहा ना कि भैया कठिन है, उनको बोलिए कर सकते हैं और मैं लाके बताने वाला हूं। अगर आप जितने कॉन्फिडेंस से ये बोलोगे ना कि मैं लाके बताने वाला हूं, ओके, तो आप कर सकते हो। ऑल इज वेल, पता है ना, बाबा रणछोड़दास चांचर, मैं हमेशा कहता हूं, तो उनकी बात भी तो सुन लो। वो भी यही कहते हैं, अपने आप को काबिल बनाओ। हमारे अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छा थॉट कहा था कि गिव मी सिक्स आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, मुझे 6 घंटे दो एक पेड़ को काटने के लिए। आई विल स्पेंड द फर्स्ट फोर आवर्स शार्पनिंग द एक्स। मुझे अगर छह घंटे दिए जाए पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी होगी ना उसको मैं धार लगाते बैठूंगा, उसको मैं शार्पन करते बैठूंगा, और तभी जाके पेड़ कटेगा। तो सिर्फ फोड़ने से कुछ नहीं है, प्रिपरेशन करो एग्जाम के लिए, अपने वेपन्स। जैसे किसी पेड़ को काटने के लिए एक एक्स की जरूरत होती है, एक कुल्हाड़ी की जरूरत होती है जिसको हम शार्पन करते हैं, उसी तरह से इस परीक्षा को पाने के लिए, यहां पर 100 मार्क्स लाने के लिए अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर करो। और प्रिपेयर करने के लिए एटलीस्ट हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, हर अलग टाइप के सारी बुक्स चेक कर लो, जो जो आपसे हो सकता है वो करो। और बाकी तो मैं लाइव सेशन में आपको करवा ही रहा हूं। मुझे लगता है मेरा लाइव सेशन आप कंटिन्यू ज्वाइन भी करते रहोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो बस लगे रहो, अपने मन पर विश्वास रखो, किसी की बात पर विश्वास मत रखो। और मैं जो कहता हूं, अगर आपको लगता है कि सर जो बोल रहे सही है, अगर आपको मेरी बात पर भी विश्वास है, तो फिर डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो अपने मन को बार बार एक ही बात कहो कि मैं 100 मार्क्स लाने वाला हूं, और मुझे उसके लिए पर्याप्त प्रैक्टिस करना है, पर्याप्त कोशिश करना है, पर्याप्त मेहनत करना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर आप ये कर सकते हो तो आपको मिलेगा। ये जो बाहर जो डर का वातावरण निर्माण किया जाता है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपके साथ हूं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या लगता है क्या मैं सही कह रहा हूं, आपको क्या लगता है क्या मैं गलत कह रहा हूं, व्हाटएवर यू फील, आप वहां कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। और आप अगर चाहते हैं कि सक्सेस पाथ की वीडियोस आते रहे तो मुझे बताइएगा। सक्सेस पाथ के वीडियो यही होते हैं, वो आपको तैयार करते हैं, वो आपके मन में पॉजिटिविटी भरते हैं। दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी रखो और पॉजिटिव वे में काम करो, खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की कोई ताकत किसी भी एग्जाम में आपको फेल नहीं करेगी, आप पास ही होगे। सिर्फ ये 10th की बात नहीं है, ये अगर आप 11th में हैं, आप 12th में, आप कहीं भी, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस एग्जाम को पॉजिटिव माइंड से फेस करो, पॉजिटिव माइंड से आपकी प्रिपरेशन करो, आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे पवन अकेडमी। धन्यवाद।